नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कोविड-19 के बाद दुनिया और भारत का क्या स्थिति रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। दुनिया बदल देगा कोरोना, अर्थात आज जो है, चूँकि इससे पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इससे है कोविड-19 के बाद दुनिया और भारत। तो इफ़ यू वांट इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू गो टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया आफ्टर कोविड-19। तो चलिए हम आज देखते हैं। अगर इसके पहले आपने नहीं देखा है तो G7 में शामिल होगा भारत, अर्थात भारत समेत कई देशों को G7 में आमंत्रित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनवाइट किया है। तो इसको अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख लीजिए या वीडियोज में जा करके देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कोविड-19 के बाद भारत व दुनिया। भाई हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। दुनिया के लिए लॉकडाउन नया नियम है। अब यह धारणा तेजी से बन रही है कि आने वाले समय में जब कोरोना वायरस खत्म होगा तब तक दुनिया की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मतलब कि कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है, हर चीज़ें बदल गई हैं, और यह वायरस खत्म होते होते दुनिया की सूरत क्या रह जाएगी उस पर हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं। लोगों के बीच राय बनती जा रही है कि अगले 1.5 साल तक पूरी दुनिया कोविड-19 के खतरे से जूझती रहेगी और उसके बाद भी पुनर्निर्माण और इसके स्थायी प्रभाव निसंदेह कई वर्षों तक महसूस किए जाते रहेंगे। अगर हम बात करें तो जो दुनिया की स्थिति है और रहेगी उस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो हम निम्न बिंदुओं से इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो वो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए, घरों में बंद रहना बनी मजबूरी, छूट रही नौकरियां, बढ़ रही भूख की छाया, विवेकपूर्ण योजना की जरूरत है। उसके बाद विवेकपूर्ण योजना की जरूरत है, मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक की तैयारी। आर्थिक समस्या की अगर बात की जाए तो मंदी के दौर शुरू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती। वहीं और बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित औषधि विकास, नौकरियों पर गाज से प्रभावित होगी अर्थव्यवस्था। ये सब पॉइंट है, हेडिंग है, लोगों पर प्रभाव, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो भी जो है कोविड-19 की वजह से प्रभावित हो गई है। नई आदतों की शुरुआत हुई है, शिक्षा प्रणाली पर असर पड़ा है। वहीं रोबोट पर बढ़ी निर्भरता, मतलब रोबोट पर जो है लोग निर्भर रहने लगे हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पहली हेडिंग से। पहली हेडिंग हमारी है घरों में बंद रहना बनी मजबूरी। भाई चूंकि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर में रह रहे थे और उस वो एक मजबूरी थी लोगों की, चूंकि बाहर नहीं जा सकते थे। तो कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सबसे पहले चीन में आया और देखते ही देखते इसने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। इसके कारण दुनिया के एक दूसरे के संग मजबूती से जुड़ी प्रणालियाँ बदल गई। इस वायरस के प्रकोप को काबू करने का प्रयास के तौर पर सामाजिक मेलजोल पर बंदिशें लगा दी गई, मतलब कि आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते। सामाजिक मेलजोल पर क्या कर दिया गया, अंकुश लगा दिया गया, बंदिश लगा दी गई। इससे दुनिया की एक तिहाई से अधिक आबादी अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। मतलब कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से ये कोविड-19 का एक मानना है कि जो है आप किसी से मिले नहीं, किसी से हाथ ना मिलाएं, आप जो है दूरी बना के रखें। तो ये सब इसके कारण है जिसकी वजह से जो है लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं अगर अगली हेडिंग की बात करें, छूट रही नौकरियां, बंद रही बढ़ रही भूख की छाया। तो लॉकडाउन की वजह से दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सीमाएं बंद हो गई हैं, हवाई अड्डे, होटल, शैक्षणिक संस्थान समेत तमाम व्यवसाय बंद हैं।
इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां छूट रही हैं और भूख की छाया बढ़ रही है। मतलब कि जो लोगों के रोज़गार हैं, रोज़गार छिन जा रहे हैं भाई। टीचर जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जो प्राइवेट कंपनियों के जो है वर्कर्स हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वो भी जो है चूँकि काम नहीं तो दाम नहीं। तो अर्थात आज की सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन बचाना है और जीवन बचाने का यह उद्देश्य ही भविष्य की सफलता है। आगे देखते हैं अगली हेडिंग जो हमारी है, विवेकपूर्ण योजना की जरूरत। आज हमें द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ समझ में आते हैं। अगर कोरोना वायरस एक युद्ध है तो फिलहाल इसे लड़ा नहीं जा सकता और न ही मारा जा सकता है। युद्ध काल के दौरान शत्रु अक्सर अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अदृश्य होते हों। मतलब चूंकि शत्रु जो होते हैं वो अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शत्रु जो हो वो दिखाई ही न दे, और अगर शत्रु दिखाई ही नहीं देगा तो हम लड़ेंगे किससे। फिर भी किसी भी युद्ध में अगर विजय हासिल करनी है तो विवेकपूर्ण योजना बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी योजना के हम किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते। आगे वहीं बात करें आर्थिक समस्या की, तो आर्थिक समस्या में मंदी का दौर शुरू हो गया है। मतलब चीन के समझ निर्यात बाजारों के लुप्त होने और आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर होने का खतरा सामने है। इस संक्रामक बीमारी के कारण उत्पन्न एक दूसरे क्रम के प्रभाव वैश्विक वित्तीय बाजारों को तेजी से तबाह कर सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें तो कोविड-19 न केवल संपत्ति की कीमतों और शेयर बाजारों को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि वास्तविक जीवन और वास्तविक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मतलब कोविड 19 की वजह से केवल संपत्ति की कीमत ही नहीं बढ़ी है, शेयर बाजारों को ध्वस्त भी कर दिया है इसने। और यही नहीं, जो वास्तविक जीवन और वास्तविक गतिविधियाँ हैं इसको भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि दुनिया मंदी में जा चुकी है। वैश्विक जीडीपी 2021 के लिए अनुमान की बात की जाए तो 2.5% से नीचे आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी जो 2021 की है वो हमारी 2.5% से भी नीचे आ गई है। वहीं आगे बात करें तो कोविड-19 के कारण लोगों को घर से, जो आपका ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात हो रही है कि लोग घर से ही डिजिटल बनने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अर्थात कोविड-19 के कारण लोग घर से ही काम करने के लिए अपने आप को ढाल रहे हैं कि घर में रहकर काम कैसे करें। घर में रहते हुए बैठ के करने, शिक्षा हासिल करने, वर्कआउट करने और अन्य काम करने के लिए डिजिटल समाधान खोजने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। वहीं आगे बात करें कि नौकरियों पर गाज प्रभावित होती है अर्थव्यवस्था। तो मतलब चूंकि हम जान रहे हैं कि महामारी के कारण त्रासद मानवीय परिणामों के अलावा आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ गई है। मतलब ना ही आर्थिक स्थिति, केवल आर्थिक नहीं बल्कि जो हमारी मानवीय परिणाम हैं वो भी बढ़ गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में $1 ट्रिलियन का झटका लगेगा। 2020 में $1 ट्रिलियन का झटका लगेगा। UNCTAD का मानना है कि भारत को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण $348 मिलियन का व्यापार घाटा होगा। भारत को $348 मिलियन का घाटा होगा। वहीं अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो $1 ट्रिलियन का जो है झटका लगेगा। वहीं आगे बात करें तो दुनिया में लगभग 25 मिलियन नौकरियों पर गाज गिरेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका अविश्वसनीय रूप से चीन पर निर्भर है। अधिकांश कंपनियों के सभी सामानों में 90% सामान चीन में तेल से उत्पन्न पदार्थों जैसे प्लास्टिक और पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। चूँकि चीन से तेल का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, उससे जो पदार्थ बनाए जाते हैं प्लास्टिक और पॉलिएस्टर, इसके लिए जो है अमेरिका जो है वो चीन पर निर्भर है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अमेरिका में बेची जाने वाली करीब 80% दवाइयों का उत्पादन चीन में किया जाता है। सोच लीजिए कि एक विकसित राज्य जो है उसकी 80% दवाइयों का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन कुछ महत्वपूर्ण दवाओं
के सक्रिय संगठकों के लिए सबसे अच्छा और कई मामलों में एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी है। तो ये आज हम लोगों ने कुछ हेडिंगों पर डिस्कस किया। जैसे कि मैंने काफ़ी हेडिंग लिखाई थी, तो उसको और हेडिंगों को हम पढ़ेंगे पार्ट टू में, और शीघ्र ही पार्ट टू में आएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। आगे देखिए, हमने जो है जो कोरोना महामारी पर निबंध लिखा था, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो उसको मैंने तीन पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट आपका था, उसके बाद दूसरा पार्ट जो प्रवासी भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान था, और तीसरा पार्ट भी प्रवासी भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान था, जिसमें वंदे भारत, समुद्र सेतु, मिशन सागर, ये सारी जो है योजनाएँ जो चलाई गई थी, वो सारी योजनाएँ हमने बताई हैं। ठीक, तो अब जो है देखिए, कल जो है सुबह 9 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास आएगी, आखिर क्यों बौखला गया है चीन। ठीक, तो इस पर जो है हम चर्चा करेंगे कल कि आखिर क्यों बौखला गया चीन। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।